सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। एमसीक्यूज़ ऑन करंट अफेयर्स 9 जुलाई। लेट हो गया। कुछ टॉपिक्स जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ वो है नैनो यूरिया लिक्विड, ट्रांस एनर्जी एंड द टैक्स डिस्प्यूट विथ इंडिया, PCA LOIFIPB, दिल्ली असेंबली पीस एंड हारमोनी कमेटी एंड फेसबुक, फॉर्मेशन ऑफ जस्टिस AK रंजन कमेटी एंड कंट्रोवर्सी, 13 inmates of Agra and interim bail along with JJ Act, JJB. ये सभी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर सके मैंने यहाँ दिखाया है। एंड प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एज यू आर इंटरेस्टेड। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। और विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्लेम टू मैन्युफैक्चर नैनो यूरिया लिक्विड, तो सीधा इफको है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। इफको ने दावा किया है कि इसे इसके जो क्लोज शाखा हैं NBRC यानी नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर गुजरात में है ये, और वहाँ से ये कि हमारा टेक्नोलॉजी विकसित किया गया है। और इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नैनो यूरिया लिक्विड मैक्स द क्रॉप्स स्ट्रॉन्गर, हेल्दी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉजिंग इफेक्ट, एक हो गया। दूसरा है कि 500 मिलीलीटर बॉटल ऑफ इफको नैनो यूरिया जो रिप्लेस करेगा एक बैग कन्वेंशनल यूरिया को। उसके बाद द बॉटल कैन सिग्निफिकेंटली ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ द लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग, यानी कि इसके भंडारण और यानी कि लाने ले जाने में जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और इफको ने इसका अब कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। अब देश विदेश में इसकी मांग बढ़ रही है, ऐसा दावा किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, कैंस एनर्जी किस क्षेत्र से संबंधित है, दैट इज़ द ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट। अभी न्यूज़ में क्यों आया आप, ये ब्रिटिश कंपनी है, और हुआ ये है कि फ्रांस के कोर्ट ने एक फैसले में कैंस एनर्जी के पक्ष में दिया है, जो भारत के अगेंस्ट में जो टैक्स विवाद हुआ था। और ये हुआ कि उस फैसले में ये कहा गया है कि जो कैंस को पेरिस स्थित भारत सरकार के संपत्तियों को जब्त करने की इजाज़त दी गई है। ये एक्चुअली जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थी अदालत जो है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट, इन्होंने हुआ था कि कैंस को 1.7 अरब अमरीकी डॉलर का हर्जाना वसूलने का अधिकार दिया था। इसके खिलाफ के इसके खिलाफ में के फिर से रिव्यू हुआ, और फिर अंडर द सेम ऑर्डर अ फ्रेंच कोर्ट हैज़ बीन अलाउड टू कन्फिस्केट 20 इंडियन गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टीज लोकेटेड इन फ्रांस। कंट्रोवर्सी कहाँ से आती है, होती है कि ब्रिटिश के जो ये कैंस कंपनी है, इन्होंने 2007 में के अपना इंट्रोड्यूस किया IPO, और अपने इस कंपनी को इंडिया में पेश किया। उसके बाद फिर अब इसके सेवरल यूनिट्स को इंडिया में, इंडिया के जो कैंस विथ इंडिया जो है, यहाँ पर के वो मर्ज कर दिया। और उसके लेकिन इसके जो ओनरशिप का बदलाव था वो नहीं हुआ। कैंस ने इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से इजाज़त ली थी, लेकिन 7 ईयर्स लेटर्स हुआ ये था कि टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस दे दिया कैपिटल गेंस टैक्स के संबंध में। और इसके तहत ये कहा कि 2014 में कि आपने IPO से पहले अपनी कई इकाइयों को इंडिया में मिलाया था, और उसमें जो आपको फ़ायदा हुआ और
उस फ़ायदा यानी कैपिटल गेन हुआ उसका आप टैक्स दीजिए, और टैक्स अगर नहीं दे पाएंगे तो आपका जो 10% ऑफ कैश इंडियन शेयर है वो इंडिया में मिला दिया जाएगा, और जो के बराबर होगा लगभग उनके आपके एरियर्स के 10,000 करोड़ के। इसके अगेंस्ट में ये चले गए उनका आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ द हेग इन नीदरलैंड, और जहाँ पर फैसला हुआ इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और इंडिया को डायरेक्ट किया गया कि भाई इनको आप रीपे कीजिए अलोंग विद इंटरेस्ट टू कैंस। तो यही था डिस्प्यूट, और ये यहाँ पर ही नहीं इनकी इन्होंने अपनी जीत हासिल की, बल्कि कोर्ट्स ऑफ द 5 कंट्रीज हैड अप्रूव द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ कैंस, और ये अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी उनके हक में फैसला हुआ। अब आइए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो है क्या। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1899 में हेग नीदरलैंड में, और इसका उद्देश्य जो था और ये कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेड है जो विवाद समाधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द फील्ड ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड टू फैसिलिटेट आर्बिट्रेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन द स्टेट्स। राज्यों के बीच में मध्यस्थता एवं विवाद समाधान के अन्य रूपों की सुविधा के लिए ये समर्पित है, और इसलिए इसको 3 भाग में इसका जो ऑर्गेनाइजेशन पार्ट जो है ये 3 भाग में कंसिस्ट करता है, और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ द कोर्ट और इंटरनेशनल ब्यूरो। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में टू ओवरसी द इट्स पॉलिसीज एंड बजट, और मेंबर्स काउंसिल में अ पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट पोटेंशियल आर्बिट्रेटर्स, और फिर थर्ड में जो इंटरनेशनल ब्यूरो में इसका सेक्रेटरी और हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका पीसीए का। बाकी फंड्स क्या करते हैं, ये इट हैज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड फंड विच एम्स एट हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज मीट पार्ट ऑफ द कॉस्ट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और अदर मीन्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑफर्ड बाय द पीसीए। कहने का मतलब यह हुआ कि इससे वित्तीय सहायता कोष है ये, और इसमें जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या पीसीए द्वारा पेश किए गए विवाद निपटान के अन्य साधनों में शामिल लागतों के हिस्से को पूरा करने में मदद करता है। ये हुआ पीसीए के बारे में। एक लेटर ऑफ इंटेंट होता है, साइन करते हैं जब भी कोई कंपनी अपना यहाँ पर शाखा खोलती है तो। ये क्या है कि ये डॉक्यूमेंट है डिक्लेयरिंग द प्रीलिमिनरी कमिटमेंट ऑफ वन पार्टी टू द बिजनेस विथ अनदर। इन बिजनेस इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इनिशियल प्रपोजल टू द अदर पार्टी, यानी कि आमतौर पर एक दूसरे के पक्ष में प्रारंभिक प्रस्ताव के रूप में उपयोग किया जाता है इसको। और नेक्स्ट में आते हैं और वो है कि FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, एक्चुअली हालांकि इसको एबोलिश कर दिया गया है 2017 में। जी हाँ, तो ये एक्चुअली था क्या, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हाउस्ड इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का डिपार्टमेंट हुआ, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज एन इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ FDI प्रोपोजल्स एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर गवर्नमेंट अप्रूवल। तो यहाँ पे ये FIPB के बारे में था। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और वो देखते हैं। विच मीडिया साइट्स हैज़ बीन समंड बाय दिल्ली असेंबली पीस एंड हारमोनी कमिटी रिगार्डिंग कम्युनल वायलेंस इन दिल्ली। हुआ यह है कि दिल्ली में जो फरवरी 2020 में जो दंगे हुए थे, और उस दंगे में फेसबुक में जो संवाद आए गए और सांप्रदायिक हिंसा जो फैली, तो उसी के मद्देनज़र जो दिल्ली असेंबली पीस एंड हारमोनी कमेटी बनाई गई थी, और उसने
के समन कर दिया फेसबुक को। फेसबुक इस समन के अगेंस्ट में चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इनके जो ऑफिशियल हैं अजीत मोहन, वो मूव किए वहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई के दौरान कहा कि भाई आप ये बताओ कि आपके विरुद्ध कोई एक्शन तो नहीं लिया गया, और जब एक्शन नहीं लिया गया तो आपको जाने में क्या परेशानी है, जाइए और वहाँ पर अपनी बात रखिए। जी हाँ, फेसबुक कैन नॉट क्लेम एनी एक्सेप्शनल प्रिविलेज टू एब्सटेन फ्रॉम अपेयरिंग बिफोर द पीस एंड हार्मोनी कमिटी। द कोर्ट टर्म्ड मिस्टर मोहन्स अपील प्रीमेच्योर, सेइंग नो कोएर्सिव एक्शन वॉज टेकन और इंटेंडेड। जी हाँ, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि सॉरी फॉर दैट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड जस्टिस ए के राजन कमिटी टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ नीट ऑन सोशली बैकवर्ड क्लासेस। सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए नीट के इम्पैक्ट को ए के राजन कमिटी गठित की गई, किस स्टेट के द्वारा, और ये है तमिलनाडु। एक्चुअली मैं नीट सेंट्रली, नीट का एग्ज़ाम होता है मेडिकल के लिए, और ये मेडिकल के लिए होता है तो तमिलनाडु ने एक अपना अलग से एक कमेटी गठित कर दिया। इस पर तमिलनाडु के जो भाजपा प्रेसिडेंट हैं के नागराजन जी, वो चले गए हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में इनके विरुद्ध, इस कमेटी के फॉर्मेशन के विरुद्ध अपनी बात रखी, और ये कहा गया कि एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है और ये स्टेट को पावर नहीं है ऐसा करने का। आइए देखिए क्या होता है इस पर आगे। नेक्स्ट, अंडर जुबिनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, एंड अ पर्सन हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड 18 ईयर्स एज, दैट इज़ कॉल्ड द चाइल्ड। और हुआ ये था कि न्यूज़ में आया था कि आगरा के 13 जो वहाँ पर कैदी थे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको इंटरिम बेल दिया गया, कि जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ये कहा था कि जब वारदात हुई थी तो ये लोग उस वक्त 18 इयर्स ऑफ एज से कम थे, और जबकि उन लोगों के द्वारा जेल में 14 से 22 साल बिताए हैं। जी हाँ, तो आइए, जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है? एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द जे एक्ट 2015, और अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ पावर्स द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट 2 शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको इन्फॉर्मेशन क्या आपको अपने आप में जाननी चाहिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एंड देयर फॉर वन और मोर देन वन जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड्स आर एस्टेब्लिश्ड बाई द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। द बोर्ड एक्सरसाइजेज इट्स पावर्स एंड डिस्चार्जेज फंक्शंस रिलेटिंग टू द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एज हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2/13 ऑफ दिस एक्ट। यानी कि इस एक्ट के धारा 213 के तहत, यानी कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के संबंधित कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति, यानी कि उस पर सुनवाई करने की शक्ति होती है जजे बोर्ड को। जजे बोर्ड यहाँ पर जो तीन टाइप के इसमें डेफिनेशन दिए गए हैं, जो ऑफेंसेस करेंगे और उसमें जो उनको सजाएं होंगी इन बच्चों को, ये किस प्रकार के, अभी 2015 के बाद ये डिसीजन लिया गया था जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद। जी हाँ, हीनियस क्राइम्स के लिए 7 साल की सज़ा न्यूनतम, मिनिमम 7 साल, और सीरियस क्राइम्स के लिए 3-7 ईयर्स, और पेटी ऑफेंस के लिए 3 साल तक। तो बस इतना सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमने शेयर किया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए, और फिर हमारे इस चैनल को वॉच करने के लिए शुक्रिया, और अधिक जानकारी के लिए आप पुनः हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।